इस दुनिया को रहने लायक जिनके बच्चों ने बनाया, जिन पुरखों ने बनाया, आज उनके बच्चों को अंधविश्वास की देर में ढकेला जा रहा है। तो एक बार हमारे बाबूजी बुलाए, उसको कहे जब मिट्टी से तू पैसा बनाना जानता है तो भीख क्यों मांगता हुआ घूम फिर रहा है, मिट्टी से पैसा बना के करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। आपका नकली पैसा आपके सामने दिखाकर असली पैसा लेकर कोई और चला जा रहा है। मैं इशारे में बता रहा हूं आपका पैसा कहां जा रहा है। आपके बच्चों को केवल धर्म कर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है और आपका चंदा दान दक्षिणा लेके जा रहे हैं। उनका मीडिया करोड़ों रुपया दे करके उनकी खबर चलाता है और आप अपने मीडिया के लोगों को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। चंद रुपए में सर हम लोग शिक्षा पाए हैं तब यहां खड़े हैं। आपके बच्चों को आप चंद रुपया क्या कितना रुपया दे लीजिए, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा। और अगर शिक्षित और जागरूक जनता नहीं हुई तो मानसिक रूप से कंगाल पैदा होगी और किसी अंधविश्वास में फंस जाएगी। एक बार कोई आदमी किसी बहुजन आदमी के सामने गया और कहा कि मुझे पानी पर चलने की कला हमने विकसित कर ली, और पानी पर चलकर दिखा दिया। तो उस आदमी ने बुलाया और कहा कि कितना साल इस तपस्या को करने में तुमको लगा। तो उसने कहा 30 साल तपस्या की तब पानी पर चलना सीखा हूं। तो कहा पर हम तो 3 दिन में तो नाव बना दिए और देखो जहां मन करे वहां पानी पर तैरा लेते हैं। 30 साल तुमने खर्च कर दिया, अब इस 30 साल को हम और नाव बनाने में काम करेंगे। नाव बनाई हमारे पुरखों ने, लकड़ी का काम किया हमारे पुरखों ने, लोहा कुमार लोहार बड़ई नाई मोची निषाद मल्ला मेहनत से श्रम करके दिमाग से अपने औजार बना करके इस दुनिया को रहने लायक जिनके बच्चों ने बनाया, जिन पुरखों ने बनाया, आज उनके बच्चों को अंधविश्वास की देर में ढकेला जा रहा है। और अंधविश्वास कैसा, मैं बार बार एक किस्सा सुनाता हूं पूर्वांचल के लोगों, आप अपने गांव जाओ तो देखो कथा भागवत सुनाने वाले खूब आते हैं। और हमारे यहाँ गांव में आता था एक जादू दिखाने वाला, तो मिट्टी उठाता था उससे ऐसे 2 मंत्र फूंक के कह देता था देखो पैसा बना दिया। तो एक बार हमारे बाबूजी बुलाए, उसको कहे जब मिट्टी से तू पैसा बनाना जानता है तो भीख क्यों मांगता हुआ घूम फिर रहा है, मिट्टी से पैसा बना के करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। लेकिन जादू के नाम पर आपका नकली पैसा आपके सामने दिखाकर असली पैसा लेकर कोई और चला जा रहा है। मैं इशारे में बता रहा हूं आपका पैसा कहां जा रहा है। कुल माल लुटा जाता हो हमने कहा, नोटबंदी भइल ना, अब भोजपुरी में सुना लोगन, नोटबंदी भइल तो 500,000 का नोट बंद हो गए सर भोजपुरी में थोड़ी देर। और नोटबंदी जब बंद हो गई तो कुछ आदमी जो धार्मिक आदमी रहना वो सोचना कि पुरनकी नोट ले जा कि मंदिर में धक्का धक चढ़ा दें भगवान खुश हो जाए, बैंक में तो जमा हो ही ना। अब पूरा नोटबंदी का पुरनकी नोट भगवान पे चढ़ावत जाता हूँ। अचानक एगो आदमी बीच में आयल, कहे हे मूर्ख ये नोट तो बंद हो गई, एक कहा यहाँ चढ़ावत है। तुरंत वो आदमी कला है धीरे बोला, भगवान के हमके पता है नोट बंद हो गए, तो हमके पता है नोट बंद हो गए, भगवान के थोड़े पता है कि नोट बंद हो गए। तुरंत वो आदमी गुस्सा में बोलल कि अरे मूर्ख नोटिया ही भगवान थोड़े लेना कि उनके पता हुई, जे लेला उके पता है कि पुरान की नोट बंद हो गए, ए बार ये नोट ना चढ़ावल जाइए। तो आर चढ़ावल माल के लुट के ले गल पता है कि ना। वो एगो आदमी पंडित जी गए किस्सा लेके कि भाई जजमान का कष्ट हो जीवन में, हम भोजपुरी में सुनावती हूँ किस्सा जो ज्योतिबा फुले लिख के गए हुआ भोजपुरी में बोली ना, नाटक का नाम है तृतीय रत्न। ज्योतिबा फुले लिखले हुआ कि एगो आदमी बड़ा परेशान रहल और जब गए तो वो पंडित जी के पास, भाई वह तो देवता का अवतार धरती पर रहल कल कुल दुख का दवा हमारे पास। तो वो गए कहे मालिक बड़ा परेशान है, तो कल कैसे परेशान लिया हुआ पतरा देखिए, पतरा देख ला तो कहे कि तू शनि ग्रह ठीक दशा में ना बा। कौन ग्रह? शनि का ग्रह दशा ठीक दिशा में ना बा। यहाँ जे यहाँ से दूरबीन देख के पता ना पहले कि ग्रह और तारा और पृथ्वी का मतलब का होला, यहाँ लोग पतरा देख के बतावे। मंगल ग्रह के पता ना कि ओकरी नाम पर कितना शादी ब्याह यहाँ टूट जाल और ओके पता ना। और वो आदमी देख के कहता कि तुहार शनि ठीक जगह पर नहीं खे, तो कह कैसे आई, कह हवन करावे कोई, कह कितना खर्चा आई, कह इतना रुपया खर्चा आई, कह इतना रुपया तो हमारे पास ना, बीच में कोरोना आ गए नौकरी चली गई, हमार पति का नौकरी छूट गई, कंपनी ठप हो गई, बिजनेस बंद हो गई, पैसा ना। कह अच्छा 50% डिस्काउंट आधा लगा देती है, हवन करा दा शनि ठीक जगह पे आ जाए। और जब वो कहला आदमी कि ना ये तो ना 5,000 रुपया नहीं खे हमारे,
तो कहा अच्छा 1,000 रुपया दे दो, छोटकी हवन करा दे तो सनी ठीक जगह पे आ जाए। वो कहा ना मालिक तू ना नहीं खे। कहा अच्छा 100 रुपया दे, वो मंत्र देते ही एक पढ़त रही है सनी तो ठीक जगह पे रही। वो आदमी खड़ा होके अपन जेब थैली निकाल के दिखावा था, कहते 1 रुपया नहीं के। वो गुस्सा में आदमी खड़ा होके कल जब तोरी जेब में 1 फुट्टी कौड़ी ना तो जो बेटा सनी तोर कुछ ना बिगाड़ पाए। तो अर माल लूटे पदे कैसन कैसन कहानी बनाओ। वो एगो गांव में एगो आदमी गए और वो कहला कि मालिक हम बहुत परेशान है। तो वो जो धरती पर उनका अवतार है ना एगो पन्ना पे लिख के दे देना कल जो बेटा यही में तोर मुक्ति है। तो कहला का है मालिक, तो कह मंत्र लिख दे ली पढ़त रहिए तोर कष्ट दूर हो जाए। हमार दक्षिणा तो दूसर का आदमी भी ऐसे कोनो जयंती में तनि 2-4 बार हो आल तनि ओके पता रहा बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार का। तो उहो कागज लेके वहाँ पे लल कहल कि हम जजमान 1,00,000 रुपया पंडित जी के अपन दक्षिणा दे तनि और कगजा पंडित जी के पकड़ा था। पंडित जी कहना ही का, तो कह जैसे तू मंत्रवा दला तो कह नोटिया ओरिजिनल चाहिए। तो वो कहला हम आऊँ के मंत्रवा ओरिजिनल चाहिए तब हम तो के ओरिजिनल नोट दे। भैया जैसे दिमाग का ताला खुली तो आर माल लुटायल बंद हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में लिख करके गए हैं कि नया भारत बनेगा तो वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा, अंधविश्वास और पाखंड में आपके बच्चों को केवल धर्म कर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है और आपका चंदा दान दक्षिणा लेके जा रहे हैं। दान दक्षिणा देना बंद कर दो, आधा उनका बिजनेस व्यापार बंद हो जाए। और कोई भी अगर देवी देवता ऐसा है तो आप उस पैसा को किसी की शिक्षा में कलम और किताब में खर्च कर दो। अगर कोई वास्तव में कोई देवी देवता भगवान होगा तो किसी भूखे को रोटी देने से और किसी अशिक्षित को शिक्षा देने से सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा। ये बात मैं कह के जा रहा हूं। इसलिए आपकी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, कलम और किताब बचाने की लड़ाई है। कलम और किताब बचेगी तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बचेगा। दुनिया में यहाँ के लोग गए तो आचार के साथ अपनी जाति व्यवस्था लेके गए। ये सुमित चौहान जी बैठे हुए हैं और यहाँ जितने यूट्यूबर साथी आए हुए हैं आपकी जिम्मेदारी है उनका मीडिया करोड़ों रुपया दे करके उनकी खबर चलाता है। और आप अपने मीडिया के लोगों को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये आपके लोग हैं और इनके काम को देखिए। उनके मीडिया में दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दंगा कराया जाता है और ये जितने बहुजन मीडिया हैं इनमें जाकर देखिए आपके बच्चों के भविष्य की चिंता यहाँ पर मौजूद है। इसलिए इनको मजबूत करिए, आपका अपना आधा आंदोलन का रास्ता मजबूत हो जाएगा। ये आपके लोग हैं और ये आपसे चंदा मांगने नहीं जाएंगे लेकिन ये आपको आपका काम करके दिखाते हैं क्योंकि इनको भी महसूस होता है। ये भी अगर किसी की दलाली कर रहे होते तो हो सकता है अच्छी नौकरी करते। ये सुमित चौहान जी तो 5-5 TV चैनल में काम किए हैं और बाबा साहब की फोटो लगा हुआ टी शर्ट जब पहन के गए तो बहुत सारे लोगों के कलेजे में दर्द होने लगा। एक किस्सा सुनाऊं, ओबीसी समाज के लोगों एक किस्सा जानो अपना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो ओबीसी समाज से आते थे और ओबीसी समाज के लोगों को कई बार लगता है कि हम थोड़े शूद्र हैं। इस किस्सा को सुनिए। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस समय गंगा में यातायात होता था और पानी का जहाज चल रहा था, उसका तेल रिस गया तो गंगा में कुछ दूर आग लग गई। विधानसभा में खड़े होकर एक वही मुखद से जाए थे, उन्होंने कहा कि अगर शूद्र इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा तो यह पाप इतना बड़ा है कि गंगा में आग नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल खड़े होकर बोले कि देखो एक बात सुनो, ये गंगा में जो आग लगी है ये तो तेल रिसने से लगी है लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इस आग को मैं और भड़काऊंगा ताकि जब तक अपने लोगों को बराबरी का हक न दिला दूं। ओबीसी समाज के लोगों आपको बस अछूत नहीं बनाया गया होगा, फर्क केवल इतना था लेकिन हक अधिकार आपका भी जाति देख करके नहीं माना गया। और अब आओ मैं आपको आधुनिक उदाहरण देता हूं। बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे बाल बनाने वाले और उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, चरवाहा समाज कृषक समाज पशुपालक समाज से आते थे। और भारत का संविधान लागू हुआ तो दोनों में मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के बने और दिल्ली में बैठकर लोगों ने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। गालियां दी गई आरक्षण के नाम पर आपके लोगों को
ओबीसी समाज के लोगों, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी मुख्यमंत्री थे, उनको भी पता नहीं था बहुत कि हम ओबीसी ढंग से हैं। और जब उनका शासन राम राज्य वाला आया तो जिस दिन उनका घर गंगा जल से धुलवाया, आज वो भी कह रहे हैं ये हजारों साल की लड़ाई है, शूद्र की लड़ाई है। और आज उनको समझ में आ गया है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी एससी एसटी हम सब की चूंकि बीमारी एक है, इसलिए हमारी दवाई भी एक होगी। आओ मिल करके एकजुट होकर के उस सपने को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाएं जो ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना है। क्योंकि अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो हम लोग कैसा भारत बना पाएंगे। का करवा राही मनवा, पाई पाई जोड़ के, एक दिन सुगनवा जई है पिंजड़ा के छोड़ के। ये जो लूट, हमने आरक्षण का फायदा लिया, नौकरी मिल गई, काम करने चले आए, हम लोग अपने समाज को भूल गए। इसलिए मानवर कांशीराम ने पे बैक टू सोसाइटी की बात कही। और पे बैक टू सोसाइटी कैसे होगी जब तक हम जाकर अपने लोगों के बीच जागरूक नहीं करेंगे। और आखिर में, चूंकि अब वक्त काफी हो गया है, हालांकि जश्न आप लोग का पूरी रात चलेगा, ये जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं, ये जितने बच्चे आए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, एक रुपया कम हो खर्च कम करना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, घर में चुनाई पुताई कम हो सब चल जाएगा। लेकिन एक कमेरा वर्ग के लोगों, 90% वर्ग के लोगों, सब कुछ त्याग करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि शिक्षा के बिना ये हमारा आंदोलन और मिशन अधूरा रहेगा। क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं भाई, और मैं आपसे बोल के जा रहा हूं, ये लुटेरा लोगों ने आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी। और डिग्री वाली शिक्षा नहीं, डिग्री वाली शिक्षा तो झूठ हो जाती है, ओरिजिनल शिक्षा जो चेतना की है। और शिक्षा कैसी, वो एक पंडित जी चले गए, एगो भोजपुरी में सुनाई, एगो पंडित जी गई ना तो बाबा गुजर गई ना तो उनके पास गई ना, कलते रही हो गई, अब दान दक्षिणा तनी दे दे बोल जाए, ताकि कहाँ दादाजी का आत्मा कहाँ है, ऊपर एक लोक में आराम करत है। पंडित जी बोल ना तो आदमी कहला कि दादाजी का कोनो कष्ट तकलीफ तो नहीं खेल, तो कहला हाँ उनके सुत्ते बदे खटिया ना है। तो कह मालिक खटिया कैसे जाई, तो कह हम है ना धरती पे उनका अवतार, तो हम के देव खटिया हम दादाजी तक पहुंचा दे, नई नई खटिया बनवा के खटिया दिया। पंडित जी लेके गए ओकरे बाद कुछ दिन बाद आये तो फिर वो पूछल कि आप पंडित जी बताए दादा का आत्मा कैसे, तो कह बहुत मजे में जौन गैया तू तेरही में दहले रहला ओकर दूध पियत हुए और नई की खटिया पे बड़े आराम से सुतत हुए। कौन कष्ट है दादाजी के, कल हाँ एगो कष्ट है, साइकिल अगर मिल जाए तो उनके तनी बाजारी आवा जाए में बड़ी दिक्कत हो ले। अभी पूरा धार्मिक रूप से एकदम अंधा, तुरंत नई साइकिल बनवा के तुरंत सुपुर्द कर देना और पंडित जी लेके चल देना दादाजी के देवे। वही एगो लड़का रहे जौन तनी पढ़ल लिखल समझदार लड़का रहे, वो कुल खेला देखो के समझ में आवे। अगली बार जब बोलना पिताजी हाथ जोड़ के बोलना कि दादाजी कैसे, तो कह एकदम मजे में हुआ, गैया का बढ़िया दूध पियत हुए, नई की खटिया पे बढ़िया सुतत हुए, और साइकिलिया से रोज सब दोनों बेला, कबो चांदनी चौक कभी राजीव चौक बढ़िया बाजार कर जाला। वो लैकवा देखत रह कहे पंडित जी झूठ बोलत हुआ। पंडित नाराज होके कैसे, तो कहे कि दादाजी कहला कि ना हमके गैया मिलल ना खटिया ना साइकिलिया। पंडित जी नाराज होके कहला कैसे पता तुमको नहीं मिला वो सब, तो कहा दादाजी हमके चिट्ठी लिखले हुआ कि बेटा तोन लोन जौन जौन भेजला हमके कुछ न मिलल। तो कहू और नाराज होके कहे ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई, तो लड़कवा बोला वही रास्ते जिस रास्ते आपने गैया भेजी थी खटिया भेजी थी।